नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामपुर कारखाना से लगातार संघर्ष करते रहे गिरिजीत उर्फ गुड्डू शाही, अब उनकी पत्नी पुष्पा देवी लड़ेंगी निर्दल चुनाव। यह घोषणा प्रेस वार्ता के दौरान गिरिजीत शाही पति पुष्पा देवी ने बताया। भाजपा से काफी नाराज चल रही पुष्पा देवी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक कर यह निर्णय लिया है। साथ ही साथ उनके कार्यकर्ता भी भाजपा से टिकट न मिलने दिखाए नाराजगी। हमें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यह काफी दुख की बात है। मैं पार्टी के लिए लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रही, जिसे 1100 वोट मिला है। आज पार्टी ने उसे अपना उम्मीदवार बनाया है, यह काफी गहन चिंता है। मैं एक महिला हूं और महिलाओं के लिए अपने खून की एक एक बूंद निछावर कर दूंगी। मृत्युंजय प्रसाद की रिपोर्ट। जनता के बीच में हम 15 साल तक गुजरे हैं और जनता के काम किए, तो भाजपा सर्वेक्षण करने के बाद भी हम पहला स्थान मेरा हर एथ में था, उसके बावजूद भी मेरा टिकट काट दिए। और बताए कि जो गरीब जनता की जो सेवा करता है उसको नहीं टिकट चाहिए, और जो 4 दिन के लिए 1100 रोड पर लेकर आया है उसको टिकट चाहिए। सूत्रों की माने कि आप भाजपा से आप दामन छोड़ रही हैं क्या? ये तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निर्दल लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? तैयारी है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर इस बार? बहुत अच्छा है, जनता हमारी सपोर्ट कर रही है और उन्हीं के सहयोग से हम उठ रहे हैं। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या सोची हैं? महिला के लिए जितना हमारे शरीर में जितने खून की बूंदे हैं, हम सब उन लोगों के लिए जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम सब पूरी रामपुर का खाना की हम सेवा करेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में बहुत से कार्य अधूरे हैं जिसे आप आने के बाद पूरा करेंगी? हाँ जी हाँ, अगर हम जीत गए तो अधूरे काम की बात छोड़िए और उसके अधिक काम हम करके दिखलाते कि हाँ कोई विधायक आई थी और काम कराई थी। जमीनी से जानते हैं और शाही जी आज से नहीं बहुत दिन से लगे हैं सेवा धर्म में, लेकिन हम लोगों ने ये चाहा कि शाही जी एक पद पे रहे। हम लोग ये देखना चाहते थे कि इन्हें एक विधायक बने, हम लोग की जो है सेवा जो कर रहे हैं ये सेवा थोड़ा और विकसित सेवा हो, गांव गांव का कुछ विकास हो, ये हम लोग चाहते थे। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि जो है बस ये विकास इतना ही छोटा सीमित रह जाए। हम लोग ये विकास जो है गांव-गांव इनके हाथों से शुभ हाथों से हम लोग चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने सारी जनता एक हो। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।